पर आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी लगी दी गई है। भारत समाचार पर योगी कैबिनेट के फैसले हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी में कैंट थाने में दो थाने बनाए जाएंगे, पर्यटन को लेकर योगी कैबिनेट का ये फैसला सामने है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग की जमीन यहाँ पर उन्हें दी जाएगी, गृह विभाग को बेसिक शिक्षा की जमीन दी जाएगी। टूरिज्म पुलिसिंग को देखते हुए दो थाने यहां पर बनेंगे, पर्यटन थाना बनारस में बनेगा, गृह विभाग ही थाने को संचालित करेगा। 2019-20 के लिए शीरा नीति का निर्धारण भी हुआ है, सस्ते दामों में मदिरा उपलब्ध कराई जाएगी, सभी देसी मदिरा बनाने वालों को ये उपलब्ध कराई जाएगी, शीरा जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। 18% शीरा देसी मदिरा के लिए दिया जाएगा, चीनी मिल वाले शीरा विदेश में भी बेच सकते हैं। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कोई एक समीक्षा बैठक थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज सभी मंत्रियों की बुलाई है और पूरे प्रदेश में सारी सुरक्षा व्यवस्था और प्रभारी जनपदों में किस तरह से कार्य चल रहा है सभी प्रभारी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज किस तरह से योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बनारस में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म थानों की मंजूरी दी गई है। वाराणसी से गृह विभाग से संबंधित है, यहाँ पर जो पर्यटन की दृष्टि से जो सारनाथ है और सारनाथ के साथ आप जानते हैं वहां पे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक लाट है, गौतम बुद्ध की स्तूप का स्तूप है, तो यहां पर टूरिज्म पुलिसिंग की आवश्यकता पड़ती है। पुलिस स्टेशन या थाना बनाया जा रहा है जिसको पर्यटक पुलिस थाना कह सकते हैं, मगर ये गृह विभाग ही चलाएगा। इस बीच लखनऊ से अहम खबर है, दो आईएस